good morning students today we will start our chapter number 13 data handling so dear students first of all you should know what is data the collection of information in the form of numerical figure is called data so dear students नमेरिकल फिगर की फॉर्म में जो कलेक्शन होती है इन्फॉर्मेशन के हमारे पास उसको हम डाटा बोल देते हैं ठीक है सो थर्ड स्टैंडर्ड में जो है हम डेटा जो है पिक्टोग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेलीमार्क से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे तो फर्स्ट है पिक्टोग्राफ से डाटा जो है वो कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे हम उसको रीड करते हैं तो यहाँ पर ये देखो थर्टीनथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट है द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज डिफरेंट मॉडल ऑफ कार्स होल्ड बाय मारुति उद्योग लिमिटेड इन अ पर्टिकुलर मंथ रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अब देखो पिक्टोग्राफ की हमने बात की है तो पिक्टोग्राफ बेटा पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो पिक्चर्स है ना ये देखो कार्स की पिक्चर्स जैसे फर्स्ट है मारुती एट हंड्रेड उसकी मारुति है कार्स की, फिर जैन है 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 देन है, देन देन मारुति 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 ऑल्टो एस्टीम ठीक और वन यहाँ पर जो कार है वो हंड्रेड कार्स के इक्वल है यहाँ पर ये हिंट दिया हुआ है हमें तो हमारे पास अब गिवन क्वेश्चंस हैं इस पिक्टोग्राफ को देख के हमने इनको आंसर करना है कि हाउ मेनी मारुति एट हंड्रेड आर सोल्ड तो अगर हम बात करें मारुति एट हंड्रेड की तो कितनी मारुति एट हंड्रेड जो है वो कितनी उसकी सेल हुई तो वन टू थ्री एंड फोर फोर है तो फोर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फोर एक वन कार जो है वो किसके को ले वन हंड्रेड के तो फोर हंड्रेड आ जाएगा इसी तरह से हाउ मैनी वेगनार आर सोल्ड तो ये थ्री हंड्रेड आ जाएंगी क्योंकि थ्री है इसी तरह से विच कार मॉडल है मैक्सिमम सेल किसकी ज़्यादा सेल हुई है एक तो मारुति जेन की और नेक्स्ट है और मारुति ऑल्टो की देन नेक्स्ट वन विच कार मॉडल हैज मैक मिनिमम सेल मिनिमम सेल किसकी है मारुति एस्टीन की देन हाउ मेनी कार्स आर सोल्ड इन ऑल तो सभी जो जितनी भी कार्स है उन सभी को हम प्लस कर देंगे टोटल कितनी आ जाएंगी ये अगर हम प्लस करेंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन टीन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वन कार हंड्रेड कार्स के इक्वल है तो नाइनटीन हंड्रेड आ जाएगा तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ जो है उसको रीड करके क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर करते हैं सो नेक्स्ट है हमारा टेली मार्क्स सो so, एग्जाम्पल हमने ए, एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ली हुई है वन क्लास वोटेड फॉर देयर फेवरेट कलर्स एक क्लास को उसके फेवरेट कलर जो थी उसकी बोर्ड जो है स्टूडेंट्स की करवाई गई उस क्लास से द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास थर्टी थी थर्टी थ्री स्टूडेंट्स थे देखो तो कलर थे कौन कौन से ब्लू ऑरेंज ग्रीन रेड और येलो तो कितने कितने बोर्ड्स मिले ब्लू कलर जो था कितने बच्चों ने लाइक किया फोर स्टूडेंट्स ने ऑरेंज सेवन स्टूडेंट्स ने ग्रीन थ्री स्टूडेंट्स ने टेन रेड स्टूडेंट्स ने इसी तरह से नाइन आपका जो था नाइन स्टूडेंट्स ने येलो कलर को लाइक किया अब टेली मार्क्स हम इसके कैसे शो करेंगे यही आज जो है हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है टेली मार्क्स मतलब डाटा जो है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते पहले पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट किया अब आप मार्क्स फोर को बेटा हम देखो ये स्टैंडिंग लाइन है One, two, three, इस तरह से हमने फोर को रिप्रेजेंट किया नेक्स्ट है फोर से नंबर ग्रेटर है सेवन तो बेटा जो फाइव आपके ल, आ, उसमें मार्क्स में का जो ग्रुप है ठीक है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फाइव नंबर को ये देखो वन टू थ्री फोर और जो फिफ्थ नंबर है उसको ऐसे स्लंटिंग लाइन से ठीक है तो ये कितना हो गया नंबर फाइव फाइव में टू प्लस करेंगे तो सेवन हो जाएगा देन थर्ड है थ्री तो थ्री लाइन हम स्टैंडिंग लाइन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे देन टेन है टेन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो वन टू थ्री फोर फिफ्थ को हम स्लैंटिंग लाइन से तो फाइव हो गए तो फाइव के बाद नेक्स्ट है सेवन ए सॉरी सिक्स सेवन एट नाइन तो टेन जो है फिफ्थ लाइन जो है उसको हम स्लॉटिंग लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो ये हो जाएंगे टेन ठीक है नेक्स्ट है नाइन नाइन को कैसे हम लिखेंगे मार्क्स में देखो वन टू थ्री फोर फाइव को ऐसे हम स्लांटिंग लाइन से तो ये हो गए फाइव देन बाकी कितने रह गए में नाएन हमने कंप्लीट करने हैं हैं तो इस तरह से बेटा जो नंबर्स होते हैं, उनके टैली मार्क्स हम लगाते हैं ठीक है तो जो ग्रुप है फाइव मतलब फाइव नंबर का जो टैली मार्क्स है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया वन टू थ्री फोर और फिफ्थ वन जो है उसको ऐसे स्लांटिंग लाइन से सेंटर में तो इस तरह से बच्चे डाटा जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं